नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। अब लोगों की जेब पर डाका डलने वाला है। जी हां, सही सुना आपने। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि थोक ग्राहकों को बिक्री वाला डीजल 25 रुपए प्रति लीटर अब महंगा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40% के उछाल के बाद यह कदम उठाया गया है। हालांकि पेट्रोल पंप के जरिए बेचे जाने वाले डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस महीने पेट्रोल पंपों की बिक्री में 20% का उछाल आया है। बस बेड़े के परिचालकों और मॉल जैसे थोक उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदा है। आमतौर पर ये पेट्रोलियम कंपनी से सीधे ईंधन की खरीद करते हैं। इससे ईंधन की खुदरा बिक्री करने वाले कंपनियों का नुकसान बढ़ा है। सबसे अधिक प्रभावित नायरा एजेंसी, जियो, बीपीओ और शेल जैसी कंपनियां हुई हैं। बिक्री बढ़ने के बावजूद भी इन कंपनियों ने अभी तक मात्रा में कमी नहीं की है। लेकिन अब पंपों के लिए परिचालक आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं रह पाएगा। मामले की जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों ने कहा है कि रिकॉर्ड के 136 दिन से अधिक कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से कंपनियों के लिए इनके दरों पर अधिक ईंधन बेचने के बजाय पेट्रोल पंपों को बंद करने से अधिक व्यवहारिक विकल्प होगा। आपको बता दें कि साल 2008 में रिलायंस इंडस्ट्री ने बिक्री घटाकर 0 पर आने के बाद अपने सभी 1,432 पेट्रोल पंपों को बंद कर दिए थे। सूत्रों का कहना है कि कुछ यही स्थिति आज भी बन रही है। थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से खरीद कर रहे हैं, इससे इनके रिटेलरों को घाटा हो रहा है और ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुंबई में थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल का दाम बढ़कर 122.05 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल पंपों पर डीजल 94.14 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। इसी तरह दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीजल 86.67 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि थोक के लिए इसकी कीमत 115 रुपए प्रति लीटर है। आपको बता दें कि विधानसभा के नतीजे 10 मार्च को आ गए थे, लेकिन उसके बाद से संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की वजह से फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई। थोक उपभोक्ताओं के लिए दरों और पेट्रोल के पंप की कीमतों में 25 रुपए के बढ़े अंतर की वजह से थोक उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पंप से ईंधन खरीद रहे हैं। अब बढ़ते डीजल के दाम पर क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।